सूरज मुझे एक बात बताइए, शिवसैनिक तो वहां पर मौजूद हैं ही कि वो निकल ना पाए मातोश्री आने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ कल मुंबई पुलिस ने भी उन्हें एक नोटिस दी थी और ये कहा था कि उनके ऐसा करने से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, गड़बड़ी फैल सकती है। वो नोटिस क्या था और पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है ये बताइए। जी जितेंद्र जी, हमारी सीनियर अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने पहली तो बात की कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा सबसे सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी को देखते हुए मैं विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ खार, ये जो इलाका है ये खार पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में आता है, लेकिन अगल बगल के जो पुलिस स्टेशन के अधिकारी हैं, साथ ही जो एडिशनल फोर्सेज हैं, यहाँ पर बुलाई जा रही है ताकि जो अगर क्राउड ज्यादा बढ़ जाए क्राउड कंट्रोल में, और इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन किया जा सके, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। आपको ये भी बता दें कि कल मुंबई पुलिस के डीसीपी मंजुनाथ सिंघे खुद जाकर उन्होंने 149 का नोटिस दिया था पति पत्नी को, और ये कहा था कि आपकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो सकता है, इस वजह से आप घर में रहें, आप ना निकलें। लेकिन उनका दावा है कि वो निकलेंगे 9 बजे मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ऐसे में पुलिस के पास दो रास्ता बचता है, या तो उन्हें घर में ही बंद रखें, बाहर कड़ा बंदोबस्त रखें ताकि वो घर से निकल ना पाए अगर लॉ एंड ऑर्डर शहर में मेंटेन रखना है तो, या तो उनको स्कॉर्ट करके एयरपोर्ट ले जाएं और सीधे मुंबई से बाहर उन्हें निकाल दिया जाए ताकि मुंबई में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उसकी स्थिति खराब ना हो। आपको विजुअल में दिखाना चाहूंगा कि शिवसैनिकों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लगातार नारेबाजी चल रही है कि वो यहां से हटेंगे नहीं, और अगर यहां से निकलने की कोशिश और मातोश्री जाने की कोशिश की गई तो उस कोशिश को हम सफल होने नहीं देंगे। जितेंद्र। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।